साल 2008 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भुलाई नहीं भूलती। अनिल कुंबले की कप्तानी वाली टीम ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार खेल दिखाया, लेकिन खराब अंपायरिंग और विवादों ने भारतीय टीम से इस सीरीज को छीन लिया। उस सीरीज का सिडनी टेस्ट मैच, इंडियन क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल सकते इसे। इस मैच में मंकी गेट विवाद हो गया था, बाद में मामला कोर्ट तक पहुंच गया। आखिरकार भारत इस विवादित टेस्ट को कुछ विवादित फैसलों की वजह से हारा भी। अब इस मैच में लगभग 12 साल बाद अंपायर स्टीव बकनर ने अपनी गलती को मानते हुए कहा है कि उनकी वजह से भारतीय टीम को इस मैच में नुकसान उठाना पड़ा था। बकनर ने माना है कि उन्होंने सिडनी टेस्ट में भारत के खिलाफ दो गलत फैसले दिए, जिसकी वजह से भारत 122 रनों से उस मैच को हार गया था। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 463 रन बनाए थे, जवाब में भारत ने 532 रन बनाए और 69 रनों की बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने फिर से 401 रन बनाए और भारत के सामने 333 रनों का टारगेट रख दिया, लेकिन खराब फैसलों से भारत ये मैच हार गया। स्टीव बकनर ने उस ऐतिहासिक मैच पर कहा कि मैंने 2008 सिडनी टेस्ट में दो गलतियां की। पहली गलती तब की जब भारत मैच में अच्छा कर रहा था, जिसके बाद मैंने एक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को शतक पूरा करने दिया। दूसरी गलती मैच के 5वें दिन हुई, जिसका नुकसान भारत को उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने 5 दिन में सिर्फ दो ही गलतियां की। लेकिन क्या मैं पहला अंपायर हूं जिसने टेस्ट मैच में दो गलतियां की हों? हालांकि आज भी वो दो गलतियां मुझे डराती हैं। बकनर ने उस मैच में जिस ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को जीवन दान दिया था, उसे नॉट आउट देने के लिए इंडियन फैंस की नजरों में स्टीव बकनर विलन बन गए। वो बल्लेबाज थे एंड्रू साइमंड्स। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में जब साइमंड्स 30 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो भारतीयों ने कैच की अपील की थी, लेकिन बकनर ने उसे नकार दिया था, जिसके बाद साइमंड्स ने नॉट आउट 162 रन बनाए थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के सबसे बड़े स्कोर भी रहे थे। बकनर की दूसरी गलती आई राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली को लेकर। मैच के आखिरी दिन जब भारतीय टीम मैच बचाने के लिए लड़ रही थी, तो बकनर ने द्रविड़ और गांगुली को गलत आउट दे दिया। बकनर ने अपनी इन गलतियों पर कहा कि आपको ये समझना होगा कि गलतियां क्यों होती हैं। आप ऐसी गलतियां फिर दोबारा दोहराना नहीं चाहते। मैं अपनी गलती के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन उस वक्त पिच पर हवा चल रही थी, जिसकी वजह से आवाज हवा के साथ आ रही थी। कमेंटेटर्स ने स्टंप माइक से आवाज सुनी, लेकिन अंपायर्स इसे लेकर पक्का नहीं थे। ऐसी चीजें दर्शक नहीं समझ सकते। इस मैच में स्टीव बकनर के अलावा दूसरे अंपायर थे मार्क बेंसन। बेंसन को भी कई खराब फैसलों का दोषी माना गया। अंपायरिंग के ऐसे स्तर के बाद भारतीय टीम ने इसकी शिकायत भी की थी। चारों मैच की सीरीज का तीसरा टेस्ट पर्थ में खेला गया, जिसे भारत ने 72 रनों से जीत लिया, लेकिन एडिलेड में आखिरी टेस्ट ड्रॉ हुआ और सिडनी टेस्ट की हार भारत को भारी पड़ी और उसने सीरीज को 2-1 से गवा दिया। सिडनी टेस्ट की हार के बाद भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने कहा था कि इस मुकाबले में केवल एक ही टीम ने खेल भावना के साथ क्रिकेट खेला है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये स्टोरी हमारे लिए हमारे साथी विपिन ने की है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।